हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में जो फ्यूल का रेट है वो क्या हो रहा है, पर डे बढ़ते जा रहा है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट हमारे देश में जीती है, तब 2014 के बाद, तो देखा गया है कि जो फ्यूल का रेट है वो क्या हो रहा है, पर डे बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस के टाइम जो क्रूड ऑयल का जो रेट था वो ज़्यादा था, तो जो फ्यूल का रेट था वो कम था। लेकिन आज जो क्रूड ऑयल का जो रेट है कम है, लेकिन जो फ्यूल का रेट है वो ज़्यादा है। ऐसा क्योंकि जो फ्यूल का रेट जो है अभी भी कुछ स्टेट में है जो है कि 100 प्लस है, और कुछ स्टेट में जो है 100 के नीचे है। जो है कितना टैक्स लेती है और क्रूड ऑयल कहाँ से परचेज करती है। सो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, गेट रेडी एंड गेट स्टार्ट। पता ही होगा कि हमारा देश जो है क्या करता है, क्रूड ऑयल परचेज करता है ईरान से या सऊदी अरब से, हुआ ऐसा पे मार्केटिंग चलता है, वहाँ से क्या होता है परचेज करता है, इंडिया में आता है हमारे देश में, तो उसमें जो है रिफाइनरी प्रोसेस होता है। रिफाइनरी प्रोसेस के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपना जो है प्राइस फिक्स करती है, उसके बाद प्राइस फिक्स करने के बाद वैल्यू एडेड टैक्स जितना हुआ टैक्स हुआ उसको ऐड किया जाता है, तब जाके जो है हम लोग पेट्रोल मिलता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट बढ़ेगा तो हमारे देश में जो फ्यूल का रेट जो है बढ़ेगा। प्राइवेट कार हुआ, बाइक हुआ, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे देश में जो फ्यूल का रेट जो बढ़ सकता है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगा तो जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जो है फ्यूल का रेट मीन्स फिक्स करती है, तो उस पर जो जितना टैक्स लगाती है उसको वो अपने तरीके से लगाती है, जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए जो है फ्यूल का रेट बढ़ा सकती है। उसके बाद आता है कि हम लोग का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केटिंग होता है का, तो उसका जो होता है डॉलर में होता है, लेकिन हम लोग करेंसी है रुपीज है। ऐसे क्या होता है कि हम लोग का ज्यादा पैसा लगता है डॉलर लेने में। इसमें जो क्रूड ऑयल आता है तो रिफाइन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिफाइनरी प्रोसेस जो होता है वो लो हो जाता है, मीन्स कम होता है, रिटी जो है पेट्रोल डीजल का कम निकलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग के देश में जो है प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल का बढ़ सकता है। पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें रिटेलर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल के बेस पे पेट्रोल और डीजल को बेचते हैं। उसके बाद जो बेचते हैं तो ओएमसी चार्ज हुआ, एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, फ्राइट कॉस्ट हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स हुआ वो हुआ वैट ड्यूटी हुआ, तो ये सब जो है टैक्स। पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो सेलिंग होता है, रिटेल सेलिंग होता है, उसके बाद जो क्रूड ऑयल आता है तो उस पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, फ्राइट कॉस्ट लगता है, और जो हुआ कि इंश्योरेंस चार्ज लगा और एडिशनल चार्ज भी लगता है, तब जाके जो क्या होता है कि क्रूड ऑयल हमारे देश में आता है। और देश में आता है बैरल के हिसाब से आता है, 1 बैरल 59 लीटर हुआ, तो 159 लीटर का जो अभी रेट है 70 US डॉलर है, इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो 5000+ जो है आता है इसका रेट। तो जो 1 लीटर क्रूड ऑयल का जो रेट है वो 32 रुपीज़ के करीब में आया। उसी कॉस्ट होता है क्या, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो लोग क्या करती है कि जब जो है रिफाइनरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग क्या करता है कि अपना टैक्स ऐड करता है, 3 रुपीज़ समथिंग अभी के टाइम ऐड हो रहा है। जो द वैल्यू एडिटेड होता है ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो कितना टैक्स लेती है। तो अभी जो टैक्स लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 21 रुपीज़ के करीब में लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। तो जो होता है ये हर कंट्री में जो सेम होता है, लेकिन इंडिया में जो अभी लिया जा रहा है 32 रुपीज़ के करीब में लिया जा रहा है। साल पहले 2004 में देखा गया कि जो रेट था सबसे कम था 5 USD पर बैरल, तो जो फ्यूल का रेट था वो 33 रुपीज़ के करीब। 11 में देखा गया कि क्रूड ऑयल का रेट था 100 डॉलर था, लेकिन फिर उसके बाद जो है फ्यूल 5 रुपीज़ के करीब में था, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट हमारे देश में जीती क्रूड ऑयल का रेट था वो आ गया था 60 USD आ गया था पर बैरल। उनको जो है कि फ्यूल का रेट जो है घटाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट उसने क्या किया कि टैक्स जो है ऐड करके जो फ्यूल का रेट जो है बराबर कर दिया, और हमको पता भी नहीं चला कि फ्यूल का रेट घटा है या बढ़ा है। फ्यूल का रेट है 100+ है और कुछ स्टेट में है कि 90+ है, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट है ज़्यादा टैक्स ले रही है। इसके लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ रहा है तो सिर्फ मोदी की वजह से बढ़ा, ऐसा नहीं है। मोदी सिर्फ इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के सुधार है। अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेना छोड़ दे और डीजल का जो प्राइस है वो कम हो सकता है बहुत हद तक। के जो ऑयल मिनिस्टर है ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान, इंटरनेशनल कंपनी है क्रूड ऑयल का जो फ्यूल है वो प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कंज्यूमर लोग घाटा हो रहा है और वो जो कंपनी है वो लोगों को फायदा हो रहा है। अगर कम गेन होगा तो जो प्राइस है वो लोग बढ़ा के बेचेगा, लेकिन है और ये ब्लेम है। उसके बाद जो है कि सेकेंड नंबर है कि कोविड-19, तो उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट जो टैक्स लड़ी है वो सही लड़ी है, क्योंकि अभी जो देश का था कोविड-19 की वजह से बहुत हालात ख़राब था, और उसके वजह से क्या हुआ कि हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया, तो उसको रिकवर करने
के लिए टैक्स लिया जा रहा है। जो इसके पहले जो गवर्नमेंट थी तो वो लोग का जो है प्री पेमेंट जो बाकी था, जो बॉन्ड था वो अभी बाकी था, तो उसको हम लोग जो है अभी पे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट के साथ। ये भी कहना इसके वजह से जो है प्राइस हमारे देश में बढ़ा है। तो पहले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो वो लोग पे ब्लेम लगाया कि जो फ्यूल का रेट बढ़ रहा है, तो वो लोग का एक डिमांड भी है। तो वो लोग का डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे कि फ्यूल को जीएसटी के अंडर कर दे, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो फ्यूल का रेट है मीन्स कम होने का चांसेस रहेगा। पूरे इंडिया में जो फ्यूल का रेट रहेगा वो सेम रहेगा कि जो जीएसटी के अंदर जो है जा रहा है। तो पहला नंबर है कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो है 40% वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 25,000 करोड़ रुपीज़ जो है फ़ायदा होता है हर साल, जो है प्राइस फिक्स करती है। तो वो लोग के कंट्रोल से हट जाएगा, वो लोग के अंडर में नहीं रहेगा कि वो लोग प्राइस फिक्स करें या ना करें। एक इशू आ रहा है कि अंडमान निकोबार में जो वैट टैक्स लगता है 6% लगता है और महाराष्ट्र में 40% लगता है। तो ये क्या होगा कि इसके वजह से जो है कि हम लोग को दिक्कत आएगा कि क्योंकि अंडमान निकोबार में 6% लग रहा है, तो दोनों में सेम लगेगा, तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ये इशू है। तक जो फ्यूल का हम लोग का रेट है वो हर दिन चेंज होता है, तो ये जो चेंज होने का जो सिस्टम है वो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट पे ये उसके बेस पे चलेगा, ताकि जो है जो भी उतार चढ़ाव होगा क्रूड ऑयल का, जो लो होगा या हाई होगा क्रूड ऑयल का, तो उसके इक्वली में और उसके बेस पे चलेगा। तो ये इसके लिए नया रूल आया, ये रूल 16 जून 2017 को ये रूल आया। तो हमारे देश हर सुबह 6 बजे रिवाइज होगा। उस टाइम जो फ्यूल का हम लोग का रेट जो था वो क्या होता था, हर 16 तारीख को, हर महीने के 16 तारीख को अब आप सोचते हैं कि सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ पे, सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वेनेजुएला जो कंट्री है वहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोल है, जहाँ हम लोग के देश में एक रुपये का चॉकलेट मिलता है वहाँ 1 रुपये का जो है पेट्रोल मिलता है। और उसके बाद जो है कि ईरान 4.50 रुपये के करीब में है, और है कि जो पाकिस्तान है हमारे देश के बगल में है, तो वहाँ पर 51 रुपीज़ के करीब में जो पेट्रोल का प्राइस है, और अफगानिस्तान में 43 रुपीज़ के करीब में प्राइस है। और सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है, तो वो है हांगकॉन्ग, जहाँ पे 174 रुपीज़ के करीब में जो पेट्रोल का 1 लीटर का प्राइस है। तो वहाँ पे इतना महंगा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है इंडिया के इंडिया से ज़्यादा है, और इंडिया से जो है कि वो देश जो है ज़्यादा मजबूत है। लेकिन हमारे देश का जो है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो है कि कोविड-19 की वजह से हालात जो है हमारे देश का ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी जो है कि गवर्नमेंट जो है इतना टैक्स ले रही है, तो क्या ये सही है, आप ये कमेंट में बताइए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें कि अपने दोस्त हुए फ्रेंड हुए वो लोग क्या करें जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सके कि जो हमारे देश में जो फ्यूल का रेट जो है क्यों बढ़ रहा है।